करीब 2300 फीट लंबा एक पुल जिसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, लेकिन पूरे पुल में एक भी नट बोल्ट नहीं है। क्यों? आसमान से गिरा है बम भी जिस पुल का कुछ ना उखाड़ सके उसे केसरी जुबान वालों ने थूक थूक कर आधा कर दिया। कैसे? रोजाना जिस पुल से 5 लाख लोग ट्रैवल करते हैं उसका कभी उद्घाटन ही नहीं किया गया। क्या? 3 बातें 3 सवाल जवाब 1 कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाएंगे कहानी कलकत्ता के, या अब कोलकाता के, हावड़ा ब्रिज की। शुरुआत से पहले एक दिलचस्प बात आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को लगा जापानी कलकत्ता पर हमला नहीं करेंगे। वजह? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जापानी फौज की मदद से आईएनए ने अंडमान में आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था। नेताजी जापानी सेना की मदद भी ले रहे थे, इसलिए अंग्रेजों को लगा कि वो जापान को उनके प्रिय शहर पर हमला नहीं करने देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बर्मा पर कब्जा होते ही जापानी बमवर्षक विमानों ने कलकत्ता पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें शहर की कई इमारतें नष्ट हुई। इस हमले के दौरान एक बम हावड़ा ब्रिज के काफी नजदीक गिरा था, लेकिन किस्मत से पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंग्रेजों की सांस में सांस आ गई, क्योंकि ये एकमात्र पुल था जो हावड़ा और कलकत्ता को तब जोड़ता था। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। 1944 में हावड़ा ब्रिज की सलामती की दुआ मांग रहे अंग्रेज कभी इसको बड़े माली नुकसान की तरह देखते थे कि इसमें पैसा गड़ गया, इसीलिए इसे बनाने में दशकों का वक्त लग गया। पुल बनाने की कहानी कैसे शुरू हुई, इसी पर चलने से पहले यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध में आईएनए के रोल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो एक ऑडियो बुक का नाम आप रिकमेंडेशन के तौर पे ले लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम की यह ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर, इंडिया के सबसे बड़े ऑडियो शो प्लेटफॉर्म्स में से एक, जिसमें 15 लाख एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं। हर महीने 4000 घंटे का कंटेंट जोड़ा ही जा रहा है, और साल 2023 में हर महीने लोग 45 लाख घंटे कुकू एफएम का कंटेंट सुनते हैं। कुकू एफएम ऐप पर आपको मिल जाएंगे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स, और आपके लिए लाया है कुकू एफएम एक स्पेशल ऑफर भी, महीनावार सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले महीने में मंथ 1 उसमें आपको 50% की छूट मिलेगी, यानी 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक कोड यूज करना है LT50, बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल मेन किस्से पे चलते हैं। 18वीं सदी के मध्य की बात है, अंग्रेज भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे और अब अपना शासन मजबूत करने में लगे थे। इस दिशा में रेलवे को मजबूत करना था। बंगाल से शुरुआत हुई हावड़ा से। जून 1853 में हावड़ा में पहला ट्रेन स्टेशन बन गया। इस स्टेशन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। दरअसल हावड़ा में रेलवे लाइन एक साल पहले यानी 1852 में ही डल गई। रेल के डिब्बे और इंजन लंदन से लाए जा रहे थे, लेकिन हुआ यूं कि डिब्बे ला रहा जहाज बीच में ही डूब गया, जबकि लोकोमोटिव इंजन गलती से पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। बहरहाल हावड़ा से रेल चलना शुरू हुई और पहले 4 महीने में 1 लाख लोगों ने ट्रेन की सवारी का लुत्फ भी लिया। भारत से विदेश जाने वाले लोग तब कलकत्ता से जहाज पकड़ते थे, इसलिए धीरे धीरे हावड़ा स्टेशन में भीड़ बढ़ने लगी। हावड़ा और कलकत्ता को तब जुड़वा शहर कहा जाता था, क्योंकि दोनों के बीच सिर्फ हुगली नदी का अंतर था। हावड़ा से कलकत्ता पहुंचने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ती। इसमें एक दिक्कत थी, हावड़ा में ईस्ट इंडिया कंपनी के कच्चे माल के भंडार थे। बारिश के मौसम में जब नदी में बाढ़ आती तो सामान लाने ले जाने पर रोक लगानी पड़ती। इस समस्या से निजात पाने के लिए साल 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लान बनाया कि क्यों ना नदी पर एक पुल बना दिया जाए, परमानेंट क्रॉसिंग। बंगाल सरकार ने जॉर्ज टर्नबुल नाम के ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के एक इंजीनियर को यह काम सौंपा। टर्नबुल इससे पहले हावड़ा स्टेशन के निर्माण का काम पूरा कर चुके थे। टर्नबुल ने पुल के डिजाइन के कई मसौदे सौंपे, लेकिन किसी कारण पुल का काम शुरू नहीं हुआ। इसके बाद 1871 में सरकार ने हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया और निर्माण की जिम्मेदारी सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को सौंप दी गई। लेस्ली ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने एक पॉन्टून ब्रिज का डिजाइन बनाया जो स्वीकार भी हुआ। पॉन्टून ब्रिज यानी हिंदी में कहें तो पीपे या नावों से बना एक प्रकार का पुल जो तैरते पीपों या नावों के ऊपर बनाया जाता है। ऐसे पुल अक्सर युद्ध के दौरान टेम्प्रेरी इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि चूंकि ये बनाने में आसान होते हैं, वक्त और पैसा कुछ कम लगता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिविलियन इलाकों में भी होता है। हावड़ा में हुगली पर बने पॉन्टून ब्रिज को बनाने में 3 साल का वक्त लगा। ब्रिज के अधिकतर पार्ट्स ब्रिटेन में बनकर आते थे और कलकत्ता में उन्हें असेंबल किया जाता।
पुल को बनाने में कई दिक्कतें भी आईं। मसलन मार्च 1874 में एक तूफान ने पुल को काफ़ी क्षति पहुंचाई। वहीं दूसरी बार एक स्टीमर ब्रिज से टकरा गया जिसने पुल के 200 फीट हिस्से को नष्ट कर दिया। जब तक पुल बनकर तैयार हुआ इसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। इसके दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए 7 फीट चौड़ा रास्ता भी था। पुल को बनाने में कुल लागत 22 लाख रुपये आई। ब्रिज की खासियत ये थी कि इसके बीच के हिस्से को अलग किया जा सकता था और हर रोज़ बाकायदा अखबार में घोषणा होती कि पुल अमुक समय पर खुलेगा ताकि स्टीमर और बाकी नावें पास हो सके। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने पॉन्टून का आइडिया लिया क्यों। दरअसल हुगली नदी टाइडल है, जो टाइड आती है जिसको आप कहते हैं ज्वार भाटा, उसके साथ उसका लेवल ऊपर और नीचे होता है। पॉन्टून ब्रिज को बनाने का एडवांटेज ये है कि अगर आपने उसे बना दिया तो वो पानी के साथ ऊपर भी उठेगा और पानी के साथ नीचे भी चला जाएगा। आपको स्ट्रक्चर को अल्टर करने की ज़रूरत नहीं। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जाना, आसान होता है इसे बनाना और इसे खोल करके ये लोग जोड़ भी रहे थे उस वक्त। यहाँ पर एक बात और जानिए कि हावड़ा पर पॉन्टून ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर लेस्ली ने हुगली के ऊपर ही एक और पुल बनाया था जिसे 1885 में खोला गया। इस पुल का नाम जुबली ब्रिज है जिसे 129 साल सेवा देने के बाद 2016 में डीकमीशन किया गया। बहरहाल वापस हावड़ा ब्रिज की कहानी पर लौटते हुए जानते हैं वर्तमान हावड़ा ब्रिज के बनने की शुरुआत कैसे हुई। पॉन्टून ब्रिज शुरुआत में एक सस्ती व्यवस्था के तौर पर बनाया था, टेम्प्ररी, लेकिन राजधानी होने के चलते जैसे जैसे कलकत्ता में भीड़ बढ़ने लगी पुल अपनी क्षमता को छूने लगा। साल 1906 में सरकार ने पुल की निगरानी के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पुल पर बैलगाड़ियों का जाम लगने लगा है, इसलिए शहर को एक नए पुल की जरूरत है। 1911 में नया पुल बनने की बात शुरू हुई लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। वजह, उसी साल अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी और कुछ साल बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसके कारण नए पुल का काम टाल दिया गया। तय हुआ कि पुराने पुल पर ही लक्कड़ पलस्तर लगाकर उसे थोड़ा मजबूत कर लेंगे। ऐसे कुछ साल काम चलता रहा लेकिन बिना नए पुल बने काम चलने नहीं वाला था, इसलिए मजबूरन कुछ साल बाद पुल पर दोबारा चर्चा शुरू हुई। उस दौर में बंगाल के एक प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे राजेंद्र नाथ मुखर्जी। मुखर्जी मार्टिन कंपनी लिमिटेड नाम की एक कंपनी के मालिक थे जो सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी। इसी कंपनी ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा किया था। साल 1921 में बंगाल सरकार ने मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया। कमेटी ने न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1926 में सरकार ने न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया और नए पुल के लिए टेंडर्स निकले। टेंडर के जवाब में सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई, लेकिन बात आगे बढ़ती तब तक जर्मनी और ब्रिटेन के बीच रिश्ते हो गए खराब। 1935 में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। उसी साल सरकार ने हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट नाम का एक बिल पास किया और ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन नाम की एक दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में ब्रेथवर्ड बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन एक PSU है और रेलवे के प्रोजेक्ट संभालती है, आज भी काम कर रही है। हुगली के ऊपर बना दूसरा पुल विद्यासागर सेतु जिसे 1992 में खोला गया था वो इसी कंपनी ने बनाया था। कंपनी ने साल 1936 में न्यू हावड़ा ब्रिज का निर्माण शुरू किया और 1943 में यह पूरा हुआ। अब इस पुल के बारे में कुछ डिटेल्स आप जानिए। हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर प्रकार का पुल है उस डिजाइन का, यानी पूरा पुल नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे स्तंभों पर ही टिका है। सिर्फ दो तरफ से सपोर्ट है, बीच में खंभा नहीं है। इन स्तंभों को बनाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं कि एक रात जब नदी के तट से गाद निकाली जा रही थी, एक टावर सीधा 2 फीट जमीन में घुस गया। असर इतना जोरदार था कि कलकत्ता के पास खिदिरपुर में लगे सीस्मोग्राफ में एक हल्का भूकंप दर्ज हो गया, वो मशीन जिससे भूकंप मापे जाते हैं। गाद को हटाने में 18वीं सदी की तोपें, तोप के गोले और सिक्के मिले। कुल मिलाकर हावड़ा ब्रिज की नींव डालने में 2 साल का वक्त लगा और 1940 में बाकी हिस्से का निर्माण शुरू हुआ। इसके दो स्तंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इन दोनों स्तंभों के अलावा नदी में कहीं ऐसा कोई आधार नहीं दिया गया है जो पुल को सहारा दे। इसके अलावा इस पुल की खास बात यह है कि इसे बनाने में नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि धातु के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए धातु की बनी कीलो यानी रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया जो लॉक हो जाती हैं। इस पुल को बनाने के लिए 26,000 टन स्टील की जरूरत थी, लेकिन जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया ब्रिटेन से स्टील का आयात बंद हुआ, लिहाजा तब पुल के लिए 23,000 टन स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। साल 1942 में यह पुल बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में तब 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। जब यह बना था तब यह दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर बिना गाजे बाजे के इसे पब्लिक के लिए खोला। कोई उद्घाटन समारोह नहीं किया, ना अखबारों में खबर छपी, यहाँ तक कि कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की लॉग बुक में भी पुल का खोला जाना दर्ज नहीं किया गया। कारण, दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला हुआ
जापान अब तक अंडमान निकोबार पर कब्जा कर चुका था। शुरुआत में अंग्रेजों को लगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण जापानी कलकत्ता पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जल्द ही गलतफहमी दूर हुई। 20 दिसंबर 1942 को जापान के इंपीरियल एयरफोर्स के बमवर्षक विमानों ने रात के वक्त कलकत्ता पर बॉम्बिंग की। अगले 2 सालों तक कलकत्ता पर कई बार बमबारी हुई जिसमें कई इमारतें तबाह हुई, लेकिन किस्मत से हावड़ा ब्रिज बच गया। एक बम पुल के नजदीक गिरा जैसा हमने बताया, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। साल 1965 में हावड़ा ब्रिज का नाम गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के सम्मान में रविंद्र सेतु रखा गया, लेकिन तब भी आम बोलचाल की भाषा में इसे हावड़ा ब्रिज ही बुलाया जाता रहा। अब भी लोग कहते ही हैं। हाल की बात करें यानी जब तारीख का ये एपिसोड शूट हो रहा है 2023 में, हावड़ा ब्रिज पर पेंट का काम चल रहा है। समय समय पर पुल का इंस्पेक्शन किया जाता है। ऐसे ही एक इंस्पेक्शन के दौरान साल 2011 में एक अजीब बात सामने आई। इंस्पेक्शन रिपोर्ट से पता चला कि ब्रिज के पायों की मोटाई लगभग आधी हो गई है और पुल में लगे हैंगर की मोटाई 6 मिलीमीटर से घटकर 3 मिलीमीटर हो गई। वजह पता चला कि पान मसाले आदि की पीक से धातु में जंग लग गई थी। अधिकारियों को जंग से बचाने के लिए पायों के किनारे पर फाइबर ग्लास लगाने पड़े ताकि लोग थूकें तो पुल की जगह उस फाइबर ग्लास पर जाएं। 2023 में इस पुल को 80 साल पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसी दिक्कतें और नहीं आई तो उम्मीद की जा रही है कि और 70 साल ये पुल हमारा साथ दे सकता है, इसी तरह खड़ा रहेगा। इसी नोट पर तारीख के इस किस्से को ख़त्म करते हैं। ऐसे ही और किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो जैसा पहले बताया हमने, कुकू FM ऐप की मदद आप ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तारीख के इस एपिसोड को कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया।